उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में मोदी की गारंटी पुस्तक का विमोचन रविंद्र विक्रम सिंह। आपको बताते चले, बरेली में रविंद्र विक्रम सिंह आगामी 2024 का चुनाव आंवला लोकसभा क्षेत्र के विकास और सम्मान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे लिए सुनहरा मौका है जब केंद्र में ऊर्जावान और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो हमारे क्षेत्र को विकास की बुलंदियों पर ले जा सकती है। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और विकास की धारा को हमें अपने क्षेत्र में धरातल पर लाना होगा, जिससे हमारे क्षेत्रवासियों की चुनौतियों का प्रगतिशील निवारण हो पाए। किस संदर्भ में प्रेस वार्ता रखी, क्या उद्देश्य? मैं रविंद्र विक्रम सिंह हूं और मैंने मोदी जी की गारंटी पे एक पत्रिका निकाली थी, जो मैं अपने क्षेत्र में आंवला लोकसभा क्षेत्र में बूथ के कार्यकर्ताओं को बांट रहा हूं, तो उसी को आप प्रचार प्रचार करने के लिए मैंने ये प्रेस वार्ता रखी। पत्रिका आपने निकाली, क्या उद्देश्य है? क्या मोदी जी ने 10 सालों में बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जो क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसका अनेक लोगों ने फायदा उठाया है, तो उसको भाजपा के कार्यकर्ता को पता लगे और लोगों के बारे में, उनकी सारी योजनाओं के बारे में लोगों को अच्छी तरह बता सके, इसलिए ये पत्रिका निकाली है। और इस पत्रिका का वितरण हम हर एक बूथ पे कर रहे हैं फ्री में कार्यकर्ताओं। लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? मैं लोकसभा में भाजपा के कार्यकर्ता की तरह लगा हुआ हूँ क्षेत्र में, बाकी पार्टी का जैसा निर्णय रहेगा वैसा। ऐसा मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अपनी लोकसभा क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूँ, बाकी पार्टी का जो निर्णय रहेगा। लोकसभा क्षेत्र में जो सर्वे किया है, सर्वे में क्या क्या आपको खामियां मिली और क्या आपको लगता है पार्टी आप पे अगर टिकट देती है, आपको जिम्मेदार देती है, तो आपका प्रथम क्या है? प्रथम तो मोदी जी और योगी जी की योजनाओं से लोग बहुत खुश हैं, तो वो प्रथम पॉइंट भी है। उनकी योजनाओं को अच्छी तरह गांव में लगवाना, वो सबसे बड़ा काम है। अगर वो हो जाएगा तो मुझे लगता है गांव का काया पलट वैसे ही हो जाएगा, पूरा क्षेत्र में सुधार आ जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा जो ग्रामीण में किसानों को समस्या आ रही है, वो छुट्टा पशुओं की आ रही है, तो उस पर मैंने एक चीज़ जो हमने मिलकर सोची है, उसमें ये भी है कि हम सब अगर हर गाँव को मिला के कोऑपरेटिव बना पाएँ और वो कोऑपरेटिव जिले से चले और बहुत अच्छी तरह अगर उसका सुचारू रूप से चले, तो एक अच्छा मॉडल बन सकता है जो पूरे प्रदेश में, हमारी लोकसभा नहीं, पूरे प्रदेश में लागू हो सकता है। तो एक बहुत जी, मोदी जी की जिस तरह जो योजना है, क्या आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर वो हो रही है? लगातार हो रही है। मैंने लाभार्थी चर्चा करी है, महिलाएँ बहुत खुश हैं कि उन्हें पुराना धुआं नहीं झेलना पड़ता है, लोगों को मकान मिल गए हैं, जो लोग जीवन भर झुग्गी झोपड़ियों में रहे उनको मकान मिल गए हैं, तो लगभग सारी योजनाओं से बहुत खुश हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो योजनाओं से सको लोग, उनको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, तो सरकार बदलाव करती है, उसको अच्छा करती है। क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें रहेंगी बीजेपी सांसद वर्तमान में सांसद, उसके बाद अगर पार्टी अगर आपकी विश्वास जताती है, तो आप ऐसा क्या प्रथम प्राथमिकता करेंगे जनता के लिए? मुझे वर्तमान में आगे पीछे उनका तो नहीं पता, उस पर कोई कमेंट भी नहीं है, पर ऐसा लगता है पार्टी ने, मोदी जी ने युवाओं की बात करी है, पढ़े लिखे लोगों को आगे लाने की बात करी है, अगर मौका मिलता है तो हम नई तरीके से क्षेत्र में काम कर सकते हैं। क्षेत्र से हूँ और क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में बहुत समय से लगा हुआ हूँ, तो अगर मौका मिलता है तो नई तरीके से क्षेत्र में काम करने का प्रयास करेंगे। मोदी जी और योगी जी की योजनाओं के माध्यम से बहुत विकास हुआ है, और मुझे लगता है अगर नेतृत्व अच्छा हो तो एक बहुत अच्छी तरीके से, नई तरीके से बहुत बड़ा विकास हो सकता है, और आंवला लोकसभा क्षेत्र का नाम पूरे देश भर में लोग जान सकते हैं। आपने अप्लाई किया है टिकट के लिए, नाम पैनल में आगे बढ़ा? ये सब मुझे पता नहीं पार्टी की, क्या कैसे पार्टी काम कर रही है उस चीज़ पर। ठीक है।